हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर बॉटम टैब नेविगेटर हम कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर स्क्रीन को ऐड कर सकते हैं सेपरेट, कैसे हम आइकन के ऊपर क्लिक करते ही स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने रिएक्ट नेविगेशन के हुक्स के बारे में देखा था। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्राउजर को ओपन करूंगा। तो ये देखो, यहाँ पे रिएक्ट नेविगेशन का ऑफिशियल पेज आ चुका है। इसके अंदर एपीआई रेफरेंस के अंदर आपको जाना है। इसके अंदर नेविगेटर के अंदर आपको यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉटम टैब के ऊपर मैं करूंगा क्लिक। तो आज की वाली वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये देखो, इस तरह से हम नीचे मेनू के अंदर एक दो स्क्रीन ऐड करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करते ही इस तरह से स्क्रीन चेंज होनी चाहिए। इस तरह से हमें कुछ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपको बॉटम टैब को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे जाके इसे करता हूँ कॉपी और यहाँ पे जाके सबसे पहले स्क्रिप्ट को कर देते हैं बंद। यहाँ पे टर्मिनल के अंदर इसे कर देते हैं पेस्ट और कर देता हूँ एंटर। ओके, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, सिंपली इस तरह से इसको इम्पोर्ट करना है और यहाँ पे आपको टैब नेविगेटर बनाना है। चलिए तो सबसे पहले स्क्रिप्ट को वापस रन कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे ये रन हो चुका है। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, जो मेन स्क्रीन है उसके अंदर ये कोड को आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम मेन स्क्रीन रख देते हैं, ये होम स्क्रीन। तो सबसे पहले यहाँ पे इन सब कोड को हमें निकालना पड़ेगा और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ हेलो और करते हैं सेव। अब हमें यहाँ पे इस कोड को करना है कॉपी। तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्ट करने वाला कोड को करता हूँ कॉपी। यहाँ पे कर देते हैं इम्पोर्ट और उसके बाद हमें ये क्रिएट बॉटम नेविगेटर को यहाँ से करना है कॉपी और इसके नीचे जाते ही कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे टैब नेविगेटर को भी कर दे कॉपी, जैसे कि इसे मैं कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पे व्यू और टेक्स्ट सबको निकाल देते हैं और सिंपली कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे app.js के अंदर ये स्टैक नेविगेटर बना के रखा है। तो अगर आपको यहाँ पे बॉटम नेविगेटर सेट करना है तो सिंपली इस कोड को रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी होम स्क्रीन है उसी के अंदर यहाँ पे मैं इस कोड को लिख रहा हूँ जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओपन हो रही है। तो सिंपली हमें यहाँ पे कंपोनेंट चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक स्क्रीन और ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ settings.js और इसके अंदर हम सेटिंग का स्क्रीन बना देते हैं। एक और स्क्रीन को ऐड करना है हमें, जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली लिख देता हूँ home.js। अब मैं एक सिंपली काम करूँगा, यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बॉटम नेविगेटर और यहाँ पे होम स्क्रीन की जो फाइल है जिसके अंदर हमने ये टैब नेविगेटर का कोड लिखा है उसी यहाँ से इसे मूव कर देता हूँ, यहाँ पे जाके रख देता हूँ इसे। ओके, तो यहाँ पे ये मूव हो चुका है। अब सिंपली इसी का नाम ये चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जाके सिंपली लिख देता हूँ बॉटम नेविगेटर। ओके, ताकि ये सेपरेट हो जाए और आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। अब सिंपली हमें इसे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा मेन app.js की फाइल के अंदर। ये देखो, यहाँ पे होम स्क्रीन था तो यहाँ पे हमें उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली प्रोफाइल की फाइल को भी मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे होम स्क्रीन को रिप्लेस कर देते हैं बॉटम नेविगेटर और यहाँ पे इसका पाथ भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब सिंपली यहाँ पे इसका नाम मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे जाके सिंपली कर देता हूँ पेस्ट। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये पूरा नेविगेटर जो है उसे निकाल देते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली बॉटम नेविगेटर के कंपोनेंट को यहाँ पे लोड करवा देते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं बॉटम नेविगेटर ताकि ये बाय डिफॉल्ट उसी को यहाँ पे ओपन करके रखे। तो नेक्स्ट यहाँ पे जिस फाइल का काम नहीं है उसे मैं निकाल देता हूँ। ओके, और सिंपली कर देता हूँ सेव। तो अब ये डायरेक्टली ये बॉटम नेविगेटर को यहाँ पे लोड करके उसे ही रेंडर करने लगेगा। तो सिंपली इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब आपको नेक्स्ट जो भी करना है वो सिंपली आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करोगे वो डायरेक्टली यहाँ पे आपको ऐप के अंदर दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब स्क्रीन को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली इन सबको बना लेता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, इन तीन स्क्रीन को यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके सिंपली इस सब को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे सिंपली कंपोनेंट के अंदर उसका नाम पास करना है, जैसे कि यहाँ पे होम कंपोनेंट का है होम। तो सिंपली इसे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हूँ और यहाँ पे सिंपली नेम तो होम है ही पहले से। अब यहाँ पे सेटिंग की स्क्रीन आएगी
तो यहाँ पे कॉपी कर देते हैं इसे भी और एक नई स्क्रीन ऐड कर लेते हैं प्रोफाइल के लिए। यहाँ पे सिंपली इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नेम चेंज करना है हमें, जैसे कि यहाँ पे प्रोफाइल, तो इस तरह से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इतना करते ही सिंपली मैं करूँगा सेव। चलिए अब यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर देख लेते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पे ये एरर दिख रहा है फ्रेंड, सिंपली वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे नेविगेशन का कोड लिखा था स्टैक नेविगेटर का, वो यहाँ पे हमें लिखे ही रखना है, उसे निकालना नहीं है। तो सिंपली चलिए इसको मैं कंट्रोल जेड के साथ यहाँ पे जैसे पहले था वैसा कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो काम करनी है उसे भी निकाल देते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली नेविगेटर को यहाँ पे स्क्रीन के अंदर लोड करा लेते हैं और इतना करते ही मैं सिंपली करूँगा सेव। ओके चलिए, तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें सिंपली हेडर को निकालना है, तो यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिखता हूँ ऑप्शंस इक्वल टू, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट आएगा, इसके अंदर सिंपली लिखना है हेडर्स ऑन और इसे कर देना है आपको फॉल्स और इतना करते करेंगे सेव। तो ये देखो यहाँ पे वो चला गया है। अब सिंपली यहाँ पे ये जो भी हेडर दिख रहा है वो तो यहाँ पे बॉटम नेविगेटर का है, तो अगर आपको इसे निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, वही सेटिंग है इसका भी। यहाँ पे जाके सिंपली आपको जाना है ऑप्शंस और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट आएगा और इसके अंदर आपको लिखना है हेडर्स ऑन और यहाँ पे सिंपली कर देना है फॉल्स। तो ये देखो यहाँ से भी वो निकल गया है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली काम करूंगा, इस ऑप्शन को ऐसे रहने देते, इसको मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे हेडर दिखेगा तो अच्छा लगेगा। ओके तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐप को बंद करके वापस ओपन कर दिया है। ये देखो यहाँ पे जाके मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ इसे, क्योंकि वहाँ पे वो हैंग हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली इसे बंद करके चालू किया। अब ये परफेक्ट काम कर रहा है, जैसे कि ये देखो ये होम स्क्रीन है, यहाँ पे सेटिंग की स्क्रीन आएगी और यहाँ पे प्रोफाइल की स्क्रीन आएगी, तो इस तरह से नेविगेट कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे अभी भी हमारा आइकन नहीं दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे कोई भी आइकन आपको नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे आइकन को ऐड करने के लिए सिंपली उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे जाके यहाँ पे सिंपली मैं सर्च करूंगा npmjs.com और यहाँ पे एक पैकेज है जिसको मैं सर्च करूंगा जिसका नाम है React Native Vector Icons और यहाँ पे सिंपली सर्च कर देते हैं इसे। सिंपली आपको इस पैकेज को करना है इंस्टॉल, तो इसके लिए मैं सिंपली इसे, चलिए तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए नीचे जाते हैं, तो ये देखो यहाँ पे इतने सारे आइकन आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स एक ही पैकेज के अंदर। ये देखो फॉन्ट ऑसम का भी आइकन है, यहाँ पे फीडर है, यहाँ पे एंड डिजाइन है, अलग अलग प्रकार के आइकन सब यहाँ पे एक ही पैकेज के अंदर मिल जाएगा आपको। तो ये देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का कोड दिया है, सिंपली इस पैकेज का नाम यहाँ से करूंगा कॉपी और यहाँ पे जाके सबसे पहले स्क्रिप्ट को कर देते हैं बंद और इस पैकेज को कर लेते हैं इंस्टॉल। यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं यान एड और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। चलिए तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिंपली इसे लिंक करना पड़ेगा, तो लिंक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे नीचे जाना है और ये देखो यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, तो सिंपली इसे करना है आपको कॉपी और यहाँ पे जाके सिंपली आपको सबसे पहले लिखना है npx और स्पेस, उसके बाद इस कोड को कर दे पेस्ट। ये देखो यहाँ पे npx React Native लिंक और ये पैकेज का नाम और सिंपली इतना करते कर दो एंटर, तो इससे वो डायरेक्टली लिंक कर लेगा पैकेज को। चलिए तो यहाँ पे पैकेज सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। अब सिंपली हमारी स्क्रिप्ट वापस रन कर देते हैं, तो अब हमें यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, तो सिंपली इसे मैं कर देता हूँ बंद और यहाँ पे इसे इंस्टॉल होने देते हैं। चलिए तो अब इसके अंदर सबके अंदर आइकन ऐड कर लेते हैं, तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले आइकन को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके सिंपली इम्पोर्ट कर देता हूँ इम्पोर्ट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, वो आइकन कहाँ से आएगा, जो भी हमने पैकेज इंस्टॉल किया वहाँ से, जिसका नाम था React Native Vector Icons। यहाँ पे जाके सिंपली मैं स्लैश करूंगा, तो ये देखो यहाँ पे तरह तरह के आपको आइकन मिल जाएंगे, इतने सारे आइकन है, तो सिंपली आपको जो भी आइकन यूज करना है सिंपली उसे सिलेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली आयोनिक आइकन्स के ऊपर करूंगा क्लिक और यहाँ पे इंपोर्ट करते टाइम उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसे तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ आयोनिक आइकन। ओके नेक्स्ट यहाँ पे टैब जहाँ पे भी है वहाँ पे जाके सिंपली आपको ऑप्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे जाके ऑप्शन, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे जाके आपको सिंपली लिखना है आइकन। ये देखो यहाँ पे आपको टैप बार आइकन मिल चुका है, तो सिंपली इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक। अब सिंपली यहाँ पे आपको एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली बना देता हूँ एक फंक्शन जो रिटर्न करेगा यहाँ पे आइकन कंपोनेंट, तो यहाँ पे सिंपली इस कंपोनेंट को यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं। यहाँ पे सिंपली इसे कर देता हूँ पेस्ट। चलिए अब सिंपली हमें इसका नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं नेम। तो सबसे पहले हमें उस आइकन का नाम पता होना चाहिए, तो सिंपली नेट के ऊपर जाके सर्च कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आयोनिक आइकन्स को यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली नेट के ऊपर जाके सर्च कर लेता हूँ आयोनिक आइकन्स।
यहाँ पे ये देखो पहली लिंक आ चुकी है, सिंपली उसके ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पे जाके सिंपली मैं सर्च कर देता हूँ होम। तो ये देखो यहाँ पे होम आ चुका है, अब सिंपली इसके ऊपर करूंगा क्लिक और ये देखो यहाँ पे स्मॉल होम लिखा है, तो सिंपली हमें यहाँ पे भी स्मॉल होम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जाके सिंपली लिख देता हूँ होम और यहाँ पे सिंपली इसे कर देते हैं सेव। ओके तो ये देखो यहाँ पे आइकन आ चुका है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट सेटिंग और प्रोफाइल का भी आइकन बनाना है हमें, तो एक काम करते हैं यहाँ पे सेपरेट एक कंपोनेंट ही बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली कंपोनेंट बना देता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ बॉटम आइकन्स कंटेनर और ये रिटर्न करेगा एक कंपोनेंट। तो सिंपली इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये करेगा रिटर्न और यहाँ पे सिंपली आयोनिक आइकन्स। तो मैं अभी इसे निकाल लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करवा देते हैं ये फंक्शन को। तो सिंपली इसे मैं करूँगा यहाँ पे पेस्ट। अब सिंपली यहाँ पे नेम पास कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिखूंगा नेम इक्वल टू यहाँ पे स्मॉल में होम लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमने डेटा पास किया है वो यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर मिलेगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर रिसीव कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके सिंपली उसकी प्रॉपर्टी को असाइन कर देते हैं, जैसे कि नेम इक्वल टू यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं प्रॉप्स डॉट नेम। तो यहाँ पे जो भी नेम है फ्रेंड्स वो यहाँ पे ये हमने जो पास किया है वही है, तो सिंपली ये मैच होना चाहिए और सिंपली मैं करूँगा सेव। ओके तो ये देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो आइकन कंटेनर को। तो यही ऑप्शन हम सबके अंदर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाके सिंपली इसे करता हूँ कॉपी और इन दोनों के अंदर कर देते हैं पेस्ट और सिंपली मैं करूँगा सेव। तो ये देखो यहाँ पे इनका आइकन भी आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो अब सिंपली हमें इस नेम को चेंज करना है, तो सिंपली यहाँ पे सेटिंग का है तो सेटिंग के लिए हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा सेटिंग। ये देखो यहाँ पे इतने सारा ऑप्शन अवेलेबल है, तो सिंपली इसी के ऊपर करूंगा क्लिक और यहाँ पे सेटिंग्स है तो सिंपली इसे मैं करूंगा कॉपी और यहाँ पे जाके करेंगे पेस्ट। ओके ये पूरी टेक्स्ट को कॉपी कर लिया है इसने, सिंपली इसे निकाल देते हैं और सिंपली कर देते हैं इसे सेव। तो ये देखो यहाँ पे सेटिंग का भी आइकन आ चुका है फ्रेंड्स। चलिए तो इस तरह से यहाँ पे प्रोफाइल का भी आइकन ऐड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसकी साइज को भी बढ़ाना है। तो सिंपली इसके लिए यहाँ पे जाके मैं सिंपली सर्च करूंगा प्रोफाइल। ओके नहीं आया तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ यूजर। ओके ये आ चुका है, सिंपली इसके ऊपर मैं करूंगा क्लिक और यहाँ पे ये देखो पर्सन नाम है इसका, तो सिंपली यहाँ पे आपको लिख देना है पर्सन और सिंपली कर देते हैं सेव। चलिए तो यहाँ पे आइकन भी आ चुका है, तो नेक्स्ट अब इसका काम नहीं है तो सिंपली इसे कर देते हैं बंद। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे इसकी साइज को थोड़ा बढ़ाना है हमें, तो यहाँ पे जो भी ये कंपोनेंट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है साइज। ये देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैं साइज लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 30 लिख देता हूँ और सिंपली करूंगा सेव। तो ये देखो यहाँ पे इसकी साइज चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा घटा देते हैं, ये बहुत बड़ा लग रहा है। ओके ये परफेक्टली ये वर्क भी कर रहा है और ये बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट आप रेंडर करवा रहे हो फ्रेंड्स उसके अंदर ये देखो यहाँ पे आपको डेटा भी मिल रहा है, जैसे कि ये देखो फोकस है कि नहीं है, उसका कलर कौन सा है, उसकी साइज कौन सी है, वो यहाँ पे आपको पैरामीटर में मिल रहा है। तो अगर आपको वो डेटा चाहिए तो सिंपली यहाँ पे उसको रिसीव कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ डेटा और आप डायरेक्टली उसको यहाँ पे पास करवा सकते हो और उसका यहाँ पे जो भी यूज करना है वो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं टेम्पररी इसे कॉन्सोल के अंदर प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसे कर देता हूँ कट और यहाँ पे जाके सिंपली लिख देता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग और इसके अंदर सिंपली लिख देते हैं डेटा। तो यहाँ पे जो भी डेटा आपको मिल रहा है वो यहाँ पे प्रिंट करवा के ये दिखा देगा। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है कलर, दूसरी प्रॉपर्टी है फोकस यानी वो फोकस के ऊपर है कि नहीं है, और तीसरा है यहाँ पे इसकी साइज। तो सिंपली यहाँ पे ये देखो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा। ये देखो तो इस तरह से पूरा काम करेगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर रहोगे तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिखेगा, तो इस तरह से काम करेगा। तो सिंपली मैं पहले जैसा कर देता हूँ यहाँ पे। ओके इतना करते हैं वापस करते हैं सेव। अब सिंपली आपको यहाँ पे जो भी स्क्रीन है उसके अंदर जो भी कोड लिखना है, जो भी लॉजिक लिखना है वो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे होम पेज है, तो इस तरह से आएगा। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि यहाँ पे कोई एक बटन हो उसके ऊपर क्लिक करते ये टैब ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेविगेट हो सके, तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे इम्पोर्ट करना है यूज हुक। तो इसके लिए आपको सिंपली हुक को इम्पोर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं इम्पोर्ट फ्रॉम, यहाँ पे आएगा @ रेक नेविगेशन नेटिव और यहाँ पे मैं सिंपली इम्पोर्ट कर लेता हूँ यूज नेविगेशन और यहाँ पे सिंपली इसको नेविगेट करवा देते हैं कॉन्स्ट नेविगेशन। तो यहाँ पे आपको प्रॉप्स के अंदर भी यही चीज़ मिल जाएगी फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में देखी थी। तो यहाँ पे मैं सिंपली हुक्स का यूज़ करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ यूज नेविगेशन और यहाँ पे एक टचेबल ओपेटिसिटी हमें ऐड करनी है, तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख देता हूँ टचेबल ओपेटिसिटी
ओके यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है। अब इसके अंदर सिंपली मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट इसके अंदर मैं सिंपली लिख देता हूँ गो टू सेटिंग्स, ओके और सिंपली मैं करूँगा सेव। तो ये देखो यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइल ऐड कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे मार्जिन टॉप ऐड कर देते हैं, मार्जिन टॉप यहाँ पे 20 ऐड कर देते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे कलर कर देते हैं रेड और सिंपली मैं करूँगा सेव। चलिए तो यहाँ पे आ चुका है। तो अब सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते ये नेविगेट हो, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी की ऑन प्रेस इवेंट को करना है कॉल ऑन प्रेस। यहाँ पे एक सिंपली फंक्शन को कॉल करना है हमें, यहाँ पे मैं सिंपली एनोनिमस फंक्शन पास कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली इसका नाम करूँगा कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और यहाँ पे मेथड को करना है कॉल जिसका नाम है नेविगेट। तो सिंपली नेविगेट और इसके अंदर स्क्रीन का नाम पास करना है आपको, तो सिंपली यहाँ पे बॉटम नेविगेटर के अंदर देख लो कि कौन सा नाम था, यहाँ पे सेटिंग्स था तो सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसे, ओके और सिंपली इतना करते ही करेंगे सेव। चलिए तब सिंपली इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक। तो ये देखो जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली नेविगेट हो चुका है। अब यहाँ पे ये देखो सेटिंग जो था वो यहाँ पे एक्टिव आ चुका है। वापस यहाँ पे जाता हूँ, वापस करूँगा क्लिक, तो ये देखो वापस आ चुका है। तो इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।